जैकमा बाद में जेयूआई की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली, जिसमें सैकड़ों शहरियों और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद अकरम खोसो की इस रिपोर्ट में। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कश्मीरियों से यकजहती के लिए जेयूआई के जिले अमीर डॉक्टर एजी अंसारी की क्यादत में एक बड़ी रैली दफ्तर जेयूआई जैकमाबाद से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शहरी अकलीती और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनके हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड थे, जिन्होंने शहर के अहम रास्तों पर मार्च करते हुए कश्मीरियों के हक में और भारतीय दरिंदगी के खिलाफ नारे लगाए। बाद में प्रेस क्लब के सामने रैली जलसे में तब्दील हो गई। इस मौके पर जिले अमीर डॉक्टर एजी अंसारी, डॉक्टर हाफिज मीर मोहम्मद बंगाली, मौलाना अब्दुल जब्बार ट्रेड रहनुमा अब्दुल्ला अब्बास नोनारी, सिटी फोरम के इंजीनियर हमादुल्ला अंसारी, हिंदू रहनुमा दिलीप कुमार, क्रिश्चियन रहनुमा जान परवेज, ह्यूमन राइट्स के चाकर खान जकरानी, शहरी इत्तेहाद के माविया बंगाली, जेटीआई के सूबाई रहनुमा मोहकुमुद्दीन बरोही, ताज महमूद अमरोटी, मोजीन मौलाना गुलाम हैदर पठान और दीगर ने अपनी तकारीर में कहा कि इलाके में अमन के क्याम के लिए अक्वामे मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुद अरादियत का हक देना लाजमी है। मजीद कहा कि हिटलर जैसे मुजालिम के बावजूद इंडिया कश्मीरियों का डीएनए तब्दील न कर सका, कश्मीरी ओपन जेल बन चुका है। मजीद कहा कि भारत में अब मजीद पाकिस्तान बनेगा, बल्कि टीपू सुल्तान बनने के लिए शमशेर से कश्मीर की आज़ादी लेना होगी। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद अकरम कोसो, राज न्यूज़, जैकमाबाद।